दोस्तों अभी चिकन ले आया है और देख सकते हैं 1.5 किलो चिकन लाया है और चूल्हा में बन रहा है। तो पहली बार चूल्हा में बना रहा था, धुआं धुआं भी हो जा रहा है, तो कोयला में जलता थोड़ा सा धुआं होता ही है। कैसे कर रहे दादी आप? मटर सेमी। देखिए वो सब्जी ये सब हाट बाजार में बिकता है, गाँव घर में सबके घर में भी है। और दादी पुआ तो खाना खा ली थी, और देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। दोस्तों अभी तो ऑर्डर आया है हम लोग सिलीगुड़ी जाने के लिए, मतलब कुछ पैसा डलाया है अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज संडे है और संडे को भी हम घर पे रुके हुए हैं, तो प्लानिंग हो रहा है कि आज संडे के लिए कुछ बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि हर संडे कुछ ना कुछ बनता ही मेरे गाड़ी में, तो आज हम घर पर हैं और प्लानिंग है कि हमारा छत पर बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडा है यहाँ पर, तो उसके लिए धूप में बनाने की प्लानिंग है। और हमारे घर के पीछे बाजार लगता है, तो उस बाजार में जाते हैं, कुछ लेके आते हैं वहाँ से, जो मिलता है बहुत चीज़ मिलता है वहाँ पर, सब्जी वगैरह हर चीज़ मिलता है। तो जाएंगे अभी बाजार लेके आएंगे और घर पर ही बनाना है। बनाना के हमारा प्लानिंग हो रहा है कल निकलने का, और कल ऐसे भी त्यौहार है हमारा, यहाँ त्यौहार तो 14 जनवरी होता था, इस बार 15 हो गया, तिल संक्रांत बोलते हैं, तो यह 15 तारीख को तिल संक्रांत मनाया जा रहा है। तो तिल संक्रांत हम लोग मना उना के कल हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों अभी पापा तो बाजार चले गए, तब तक हम क्या करते हैं सारा सामान छत पे ले जाते हैं, चूल्हा आज चूल्हा में ही बनाएंगे ऊपर में, और जितना सब कुछ है सब कुछ काट कर भी रेडी कर दिए, उनका आने तक हम सब कुछ सामान ऊपर सरिया देंगे। दोस्तों अभी चिकन ले आया है और देख सकते हैं 1.5 किलो चिकन लाया है। दोस्तों हम लोग 4 मेंबर है, तो 4 के लिए 1.5 किलो काफ़ी है। और दूसरी बात क्या है कि आज पहली बार अपना घर के छत पे बना रहे हैं, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है तो धूप भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो खुले में आज बना रहे हैं। तो देख सकते हैं तेल हम चढ़ा दिए हैं, तेल मेरा गर्म हो गया है, और ये तेज़पत्ता डाल दे रहे हैं, थोड़ा प्याज जा रहा है डालने के लिए इसमें, दोस्तों अभी सुबह 11 बज चुका है और देख सकते हैं इधर का मौसम, उतना धूप अभी हुआ नहीं है, मतलब ठंडा कितना ज़्यादा है। तो अभी तो हम लोग छत पे बैठे हैं, चूल्हा के पास बैठे हुए हैं, थोड़ा गर्मी का महसूस हो रहा है, तो धूप और होना चाहिए था, अभी तक निकला नहीं धूप। यहाँ सुबह सुबह तो कुहासा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको टाइम मतलब लग जाता है धूप निकलने में, तो हो सकता है 1 घंटा में और पूरा धूप हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों हमारा झारखंड का मौसम ही ऐसा है, कभी धूप करता है कभी छाया करता है। और ऐसे भी तो हम लोग बचपन में भी देखे थे कि जो तिल संक्रांत के दिन में मतलब बारिश होना ही होना था, ऐसा भी हुआ पहले, कि हम लोग जानते थे कि तिल संक्रांत के दिन में मतलब पहले होता था, पता नहीं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो कई बार रहे नहीं ना। आज हमको बहुत साल बाद हम तिल संक्रांत दिन झारखंड में और अपने घर पर है, नहीं तो हमेशा मेरा बाहर ही कटा है। तो देखते हैं, हो सकता है बारिश भी हो जाए, तो बचपन में देखते थे हमेशा जब भी बारिश तिल संक्रांत होता था बारिश होना ही होना था। दोस्तों मेरा प्याज देखिए होश हो गया है, 75% हो गया है, बाकी इसको भी साथ में भूजेंगे तो दोनों साथ में हो जाएगा। और चूल्हा में बन रहा है, तो पहली बार चूल्हा में बना रहा था, धुआं धुआं भी हो जा रहा है, तो कोयला में जलता थोड़ा सा धुआं होता ही है। ये देखिए दोस्तों अब चले इसमें चिकन डालने के लिए, दोनों एक साथ अब बनेगा। दोस्तों अभी तो यहाँ बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि चूल्हा थोड़ा इसमें आँच नहीं है ज़्यादा। और अभी देखिए दादी और फूआ भी आ गई है, आज हमारा पिकनिक ही हो रहा है यहाँ पे छत पे बैठ के आराम से। और देखिए लड़ाई हो रहा है अभी लड़ाई हो रहा है, चूल्हा तेज नहीं जल रहा है इसलिए। कैसी कर रहे दादी आप? मटर छेमी। चलिए दादी भी अपना काम कर रही है। हटिया से? यहाँ पे बगल में ही दोस्तों हटिया लगता है, मतलब सब्जी बाजार अपना, पापा भी उधर ही से जाके अभी लेके आया है। दोस्तों देखिए अभी चिकन तो बना रहे अभी हम, और गांव में आने के बाद यही सब फायदा मिलता है कि साग सब्जी खाने में ज़्यादा मिलता है। देख सकते हैं मेरा माल लेके आई है, ये सब चीज़ हमको मिलता नहीं उधर रास्ता में, और मतलब शहर में नहीं मिल सकता, ये सब गाँव घर में ज़्यादा ही होता है। तो अभी डंटी बना आप कर रहे हैं, देखिए उसका डंटी बन रहा है, पोस्तू देखे वो सब्जी, ये सब हाट बाजार में बिकता है, गांव घर में सबके घर में भी है, मेरा भी घर में पहले लगता था, तभी सब काट दिया है, घर बन गया तो सब काट गया। तो हमारे घर में भी सब गांव घर में ये सब बहुत अच्छा मिलता है, साग सब्जी सबके घर घर में। एक समय था एक कद्दू भी बहुत था मेरे यहाँ पे, कद्दू भी सब दे दिया जाता था। तो देखिए यही सब आनंद मिलता है गाँव घर का सब्जी में। दोस्तों गाँव घर में साइड में क्या है, खेती बहुत करता लोग सब्जी का, तो लोग भी आता है बेचने के लिए। आज संडे बाजार लगा हुआ है, सब यहाँ पर आया हुआ है बेचने के लिए, तो ताज़ा मिल जाता है। या 2 बार बाजार लगता है, एक संडे के दिन है एक बुधवार के दिन में, 2 दिन लगता है यहाँ पे। तो देखिए अभी वो सब्जी आया है, वो भी खाते बहुत अच्छा लगता है वो भी खाने में हमको। दोस्तों मैं चिकन अच्छी तरह भून चुका है,
अब जा रहे इसमें देखिए घर का सिलोटिन पिसा हुआ मसाला है, तो घर में तो हम लोग गाड़ी में तो सूखा हुआ डालते हैं और यह पिसा हुआ मसाला है तो इसी को यूज करते हैं अभी। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। हम लोग पाउडर मसाला यूज करते हैं, यहाँ पर खड़ा मसाला जो है घर में सिलोटी है उस पर पीस करके वही वाला इसको डलाया है अभी। अब इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे पूरा अच्छी तरह से एकदम। थोड़ा सा आँच में फ़र्क पड़ रहा हमको, क्या गाड़ी में तो गैस में रहता था तो आवाज़ भी आता था, इसमें कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, हमको लग रहा कि चूल्हा जल ही नहीं रहा है। तो गैस तो यहाँ भी है लेकिन उसमें नहीं बना रहे हैं, हम लोग ऊपर ही बना रहे हैं अभी, तो इसमें थोड़ा सा अभी ठंडा का टाइम में चूल्हा यूज होता है, आग भी तापने के लिए बन जाता है और खाना भी बन जाता है, दोनों काम हो जाता है। अभी दोस्तों पानी भी डाल दिए अभी हम, देख लिए पूरा गाढ़ा ही बना एकदम। अभी धनिया पत्ता डालना बाकी है, धनिया पत्ता कट के रेडी है मेरा, अब थोड़ा डबकने देते हैं उसके बाद इसको डालेंगे। दोस्तों मेरा लास्ट आइटम ये धनिया पत्ता, धनिया पत्ता भी डाल दे रहे हैं और डबक भी रहा है मेरा, हो ही गया पूरा कंप्लीट। दोस्तों मेरा खाना भी बन चुका है, देख सकते हैं पूरा खाना बन के सब रेडी है, यहीं पर रखा हुआ है। तो अभी तो कोई खास टाइम हो भी नहीं रहा है तो अभी हम लोग लेट से खाएंगे, अभी नहीं खाते हैं। तो अभी जा रहे नीचे, सामान सब नीचे लेकर के नीचे रख देंगे, नीचे ही घर पर अपना खाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब सब सामान सबको नीचे करते हैं अभी। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुका है और दादी फुआ तो खाना खा ली थी और देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पे अभी तो छत पे नहीं है, नीचे आ गए, नीचे ही बैठ के खाने में ज्यादा सही लग रहा है। अभी धूप भी बहुत ज्यादा हो गया है, ये देखिए धूप के पास बैठे हुए हैं। दोस्तों मान लो तो जल्दी खा लेती है ना, तो हम लोग को तो टाइम हो गया, 1-2 बजे खाते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग अपना टाइम से खा रहे हैं। बन के रेडी है पूरा जा रहे खाने। दोस्तों अभी हम लोग खाना तो खा लिया और अभी छत में ही टहल रहे हैं, तो अभी क्या कि आधा दिन हमारा छत पे ही बैठे बैठे ही चला जा रहा है, धूप ही रहता है और बाकी तो पूरा ठंड ही लग रहा है नीचे में भी। तो ये देखिए अभी तो फुआ जितना सारा कपड़ा है सब फीच उच के यहाँ पे लगा दी है और यहाँ पे अभी सोए हुए थे, वही छत पे ही घूम रहे हैं हमारे पापा। दोस्तों अभी तो ऑर्डर आया है हम लोग सिलीगुड़ी जाने के लिए, मतलब कुछ पैसा डलाया है अभी, तो जितना उतना डीजल में जहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, तो सिलीगुड़ी गुवाहाटी तक जा सकते हैं जितना पैसा भी डलाया है अभी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग का इधर भी सब काम हो गया है और कल त्यौहार है, कल हम लोग त्यौहार का जो निपट के फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों आज थोड़ा सा जा रहे बाजार हम, क्योंकि कल त्यौहार है तो उसके लिए कुछ लाना पड़ता है, तिलकुट वगैरह ये सब जो है, तिल है और गुड़ है, चीड़ा दही है, ये सब मकर संक्रांति का लेकर के, तो हम भी जा रहे बाजार लेके आते हैं। दोस्तों यहाँ पे दुकान मिल गया है, ये देखिए अब जा रहे हैं बस तिलकुट लेना है। वो गुड़ वाला भी आता है ना? हाँ गुड़ वाला भी होगा। किस चीज़ का अलग अलग डिजाइन कर लिए है? चीज भी थोड़ा मोड़ा अलग है हाँ, और डिजाइन तो सब अलग है ही मगर शांति में यही सब चलता है, तिल का लड्डू है, तिलकुट है, बहुत आइटम रहता है, तिल का चीज बनाया बहुत चीज रहता है, यहाँ हर चीज देखे मिल रहा है तो ले रहे हैं, क्योंकि आज भरी हम है तो कल त्यौहार है, कल मार्ग पे निकलना भी हमको है, ठीक है उससे लेके निकलते हैं अभी। दोस्तों अभी पूरा सामान तो ले लिए, ये देखिए इतना सब कुछ लिए कल के लिए, तो अब इतना सामान ले लिए तो सोच रहे कल रुक के ही चले जाते हैं हाँ क्या खाना पीना जो है इसका खा करके उसके बाद ही निकलना है, क्या की दादी बोल रही थी कि रुक जाता है एक दिन और, तो चलिए वो बाद में देखेंगे बाद में। और अभी हम लोग आए हुए हैं सुभाष चौक में, सुभाष चौक है हम लोग का, पहले तो हम लोग सिर्फ बाजार था, अभी तो हर तरफ बाजार ही बाजार है, जिधर जाओ उधर ही बाजार है, तो चलते हैं अब घर तरफ, ठंडा भी बहुत है तो ठंडा में ज्यादा घूम भी नहीं सकते। दोस्तों अभी घर पे आ गए लेके, तो ये अपना मतलब मेन प्रसाद ही नहीं है, ये तो बस हम लोग खाने के लिए लाए हैं, कल जो मेन प्रसाद आएगा वो सुबह सुबह आएगा, आज हम लोग थोड़ा चिकन खा लिए थे इसी के लेके, जो भगवान जी का पूजा होगा वो कल सुबह जाके पुआ लेके आएगी, यही बगल में ही बाजार है वहां से, ये तो हम लोग मेन बाजार में जाके लाए। तो ये देखिए फुआ यहाँ पे है और दादी बाहर बैठी हुई है। दोस्तों अभी इस वाले दीवार को हम लोग को सबसे पहले प्लास्टरा करवाना पड़ेगा, ये थोड़ा खराब दिखता है, ये देखिए ये ऊपर में जब बना था ना पहले तो इधर खाली था पूरा, इधर कुछ नहीं था, ये भी दीवार खराब हो गया है, तो इसको प्लास्टरा करवा के इधर पेंट करवाना पड़ेगा, ये थोड़ा सही नहीं लगता है। बाकी इधर भी अपना पूरा घर बन गया है और इधर भी देखिए दोस्तों ये सारा घर, इधर एक बेडरूम है, ये तो हॉल हो जाएगा जब पूरा कम्प्लीट होगा उसके बाद। अब बाकी इधर से सीढ़ी से ऊपर जाना है और इधर भी एक रूम है और इधर भी छोटा सा इधर ऐसा बना हुआ है, ये सब रूम में कोई जाता नहीं है, देखिए बंद है, मतलब जाते हैं
अभी बस नहीं जा रहे, बंद है। थोड़ा साफ सफाई सब होता रहता है। ये दोस्तों पापा सब कुछ पहले बनाए थे, उस टाइम ना यूट्यूब था ना कुछ था, तो ये पूरा घर पापा अकेले ही बनवाए हुए थे। देख लीजिए कितना बड़ा घर बना के रखे है पापा, और हम लोग यहाँ पे रह नहीं पाते थे बस पढ़ाई के लिए। अब तो पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो गया, और भाई लोग का बच्चा है वो लोग भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए दादी यहाँ फुआ रहिएगा कि वहाँ रामगढ़ में आप लोग रहिएगा? दोनों जगह घर है, दोनों जगह रहेंगे, बारी बारी करके ना। हम लोग दोस्तों जब छुट्टी मिलेगा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर पढ़ाई होगा तो या फिर काम भी देखिए कहाँ लग जाए, सर उधर ही कहीं नहीं लग जाए ऐसा करके। गांव में तो मजा आता ज्यादा, गांव में रहना और अच्छा लगता, शहर हम लोग को अच्छा नहीं लगता, गांव ही अच्छा लगता। यहां से दोस्तों फुआ तो बोले चले जाएंगे, लेकिन दादी को एकदम जाने का मन नहीं करता, जैसे बाहर बाहर बैठी हुई है। और दादी का यहां पे एक संदूक है ऐसा, मतलब दादी का यहां संदूक है, उसमें वो अपना सामान, मतलब हम लोग का बचपन का सामान जो खिलौना सब लोग खेलते थे हाँ, वो सब कुछ रखती है, तो उसको ले छोड़ के कहीं जाती है। वो संदूक उधर पलंग के नीचे रखती है दादी, मतलब उसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस हम लोग का बचपन का जो खिलौना है वही सब है, और थोड़ा बहुत उनका सामान है बस। उसको बहुत प्यार करती है दादी, उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो बोलेंगे जब गृह प्रवेश होगा ना तो उसको भी हम लोग लेके चलेंगे ना फुआ, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। ये देखिए दादी का हो गया, आपको सहेली लोग जा रही है सब? हाँ जा रही है, शाम हो गया, अपना अपना बर पकड़ी नियर घुस घुस गया था। अच्छा हाँ। तो सब चला गया दोस्तों, अब दादी भी अंदर रहेगी। दोस्तों रात के 8 बज चुका है और हम लोग जा रहे खाने के लिए। दिन में हम लोग चिकन बना था, वही हम लोग खा रहे अभी। दोस्तों रात के 9 बज चुका है और अपना खाना वाना सब हो चुका है। और दोस्तों कल त्योहार है मकर संक्रांति, आपको ढेर सारे शुभकामनाएं मकर संक्रांति का। और कल हम लोग को क्या है कि नहा के ही हम लोग खाया जाता है, तो बाहर में रहे तो कभी हुआ नहीं था, तो कल सुबह सुबह नहाना भी है, गर्म पानी से नहाएंगे, उसके बाद ही कुछ जो है तिलकुट चूड़ा दही ये सब जो है बहुत सब वैरायटी रहता है वो सब खाया जाता है कल के दिन में। तो हम भी आज बहुत सालों के बाद घर पर है, तो आज हमारा भी होगा, क्योंकि बाहर में रहते थे तो कई बार मिलता नहीं था जगह पर, हम लोग फिर बिना नहाए भी खा लिया करते थे, वो सब पानी मिला नहीं मिला अलग बात होता था। अब ये हम घर पर है तो कल सुबह नहा के ही हमको खाना ये सब, और उसके बाद हमारा तैयारी होगा निकलने का, कल हमको निकलना अभी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा अगला सफर का हमारा, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।